जब हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर्स तो सब पहला क्वेश्चन है नेम थ्री ऑर्गेनल रिवील बाय एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इसके अंदर जो आपने बताना है रेटिकुलम राइबोसोम्स एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस क्वेश्चन थ्री है वाई वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स तो इसका आंसर सिंपल है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनको डिजिटिटी चाहिए होती है और मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए होती है उस उनके पास सेल वॉल है क्वेश्चन नंबर फोर है वट होल्स द राइबोसोम टुगेदर इन अ पोलिजोम राइबोसोम्स के जो हैं वो दो फंक्शनल यूनिट्स होते हैं स्मॉलर यूनिट्स एंड लार्जर यूनिट जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है तो एक मैसेंजर आ रहे पर सिम्पल जो है वो चेंज अटैच हो जाते हैं तो इस चेंज को जहाँ पर बहुत ज़्यादा राइबोजोम्स होते हैं उनको हम पोलीजोम्स कहते हैं हाउ एंड वेयर लाइजाजोम्स आर फॉर्मड इन द सेल लाइजाजोम्स जो हैं ये आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं देन वहाँ से गोल्जी प्रोडक्ट्स में जाते हैं फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए फिर वहाँ से स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम के पास जाते हैं एंड देन आपके वेजिकल्स क्रिएट हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है व्हाट आर लाइजोजोम स्टोरेज डिजीजेस जब आपके लाइजाजोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होंगे या मिस होंगे तो उनको हम लाइजाजोमल स्टोरेज डिजीजेस कहते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन है व्हाट वुड हैपन इफ देर आर नो लाइज लाइजोजोम्स इन ह्यूमन सेल्स जब लाइजाजोम्स नहीं होंगे ह्यूमन सेल्स में तो आपके जो वेस्ट प्रोड्यूस है यानी कि ऐसे ऑर्गेनाल जो कि डैमेज हो गए हैं वो जो है वो क्लियर नहीं होंगे और फिर आपका जो सेल है वो डाई हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट है वाइल आइजोजोम्स आर कॉल सुसाइड बैग्स सुसाइड बैग इसलिए कहते हैं कि उनके पास ऐसे इंजाइम्स होते हैं जो कि सेल को किल कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम ऑटोलाइसिस कहते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है नेम द स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनाल विच आर कॉमन इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स इन तीनों में ये चीज़ें कॉमन होनी चाहिए तो फिर है सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर टेन है हाउ अस क्लोरोप्लास इज सिमिलर टू अ बैक्टीरियम? क्लोरोप्लास के स्ट्रक्चर को देखें तो वहाँ पे उसका अपना डीएनए रिंग्स होती हैं जिसे हम प्लास्मिड कहते हैं और उसके जो है वो अपना खुद रेप्लीकेट कर, कर सकता है और अपने फंक्शन कुछ डी की सिंथिसाइज़ कर सकता है दैट्स वाई कहा जाता है कि क्लोरोप्लास जो है वो बैक्टेरियम से मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर एलेवन है नेम द ऑर्गेनालिज ऑफ द यू सेल्स एंड राइट द स्पेसिफिक फंक्शंस न्यूक्लियस को ब्रेन कहते हैं फिर आपने माइटोकॉन्डर के बारे में बताते हैं जो कि एनर्जी क्रिएट करता है राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं और गोल्जी गोल्डियाप्लेट्स जो है वो प्रोटीन्स को प्रोसेस करते हैं और पैकेज करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है लिस्ट द स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल्स विच कैन क्रॉस द न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियर एनवेलप से जो चीज़ निकलती है वो आपके आपने इसमें बता देना है मैसेंजर आर एन ए रबोजोम्स क्वेश्चन नंबर थर्टीन है वाई डू यू करियोटिक सेल्स नीज बोथ मेम्ब्रेन ऑर्गेनाल एंड फाइबर साइटोस्केलेटन मेम्ब्रेन ऑर्गेनाल इसलिए क्योंकि वो स्पेशलाइज फंक्शन कैरी कर सकें और साइटोस्केलेटन इसलिए क्योंकि मूवमेंट के लिए और चीज़ों को होल्ड करने के लिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है वट आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स लिस्ट द स्ट्रक्चर मिसिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनालिस नहीं होती और इसमें आपको बता देना है कि इसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह जो है वो मिसिंग है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पैटर्न ऑफ द सेल डिवीजन इन प्रोकर सेल्स एंड यू करियोटिक प्रोकर सेल्स के अंदर सेल डिवीज़न बहुत ईजी होती है और इसके अंदर जो होता है क्रोमोजोम न्यूक्लियस नहीं होता जबकि यू करियोटिक में मल्टीपल ऑर्गेनाल होते हैं और इनका पैटर्न जो होता है वो फोर स्टेजेस पे होता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है कंपेयर द माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रो ट्यूब्यूल्स माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होती हैं और इनकी ये सेल शेप को डिटरमाइन करने के लिए होती हैं और सेल ऑर्गेनालिस को मूवमेंट के लिए होती हैं और स्पेंडल फाइबर की फॉर्मेशन के लिए जबकि माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं ये आपके प्रोटीन्स जो होते हैं सेलुलर मूवमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए एंड साइटोकिन के लिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है वाई ई आर इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल बट नॉट इन प्रोकैरियोटिक सेल नंबर वन रेटिकुलम जो होता है उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और फिर उसके लिए वो बहुत बड़ा होता है प्रोकैरियोटिक सेल क्योंकि एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनाली होता है तो एक सेल के अंदर इतनी सारी चीज़ें नहीं आ सकती सो दैट्स वाई इसके पास ई ER आर नहीं होता और सेकेंड ये मेम्ब्रेनल ऑर्गेनैली है क्वेश्चन नंबर एटीन है व्हाट ऑर्गेनालीज आर सिंगल मेम्ब्रेन एंड व्हाट आर डबल मेम्ब्रेन एंड व्हाट लैक एनी मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन में आपने बता देना है लाइजोजोम्स पेरीजोम्स वैक्यूल्स डबल में माइटोकॉन्डर क्लोरोप्लास्ट गोल्डी बॉडीज एंड न्यूक्लियस लैकिंग एनी मेम्ब्रेन में राइबाजोम सेंट्रिय एंड न्यूक्लियोलस क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है हाउ साइटोसकेलेटन्स आर इम्पॉर्टेंट साइटोस्केलेटन जो होता है ये आपके सेल को एक फ्रेमवर्क देते हैं एक स्ट्रक्चर देते हैं और चीज़ों की मूवमेंट में इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है कंपेयर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लो प्लाज न्यूक्लो प्लाज्ज यानी कि न्यूक्लियस का जो लैमिला होता है उसको हम न्यूक्लोप्लाज कहते हैं और उसके अंदर ज़्यादा डी होता है आर होते हैं जबकि आपका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर सारे ऑर्गेनालिस्ट जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं और वो जेल लाइक होते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है एक्सप्लेन दैट न्यूक्लियोलायाई आर द एरियाज वेयर राइबोसोम्स आर असेंबल न्यूक् के अंदर वो आर होते हैं जो कि राइबोसोम्स को क्रिएट करते हैं So that's why it is a region where ribosomes are assembled.